हमारा टॉपिक है कि जो आजकल दिन चल रहे हैं मौसम बरसात के हवाले से, इनमें सबसे पहले कौन से वायरसेस जो हैं वो अटैक करते हैं। वकार भाई, ये जो मौसम है ना बारिशों का, जी इसमें जी सिर्फ एक खास वायरस है जिसका नाम होता है सालमोनेला। जी ठीक है, वो हर परिंदे के अंदर मौजूद होता है, सारा साल इनएक्टिव होता है। जी सी और मोस्टली जो है, जब वो बारिशें स्टार्ट होती हैं ना, तो ये एक्टिव हो जाता है। जी सही ठीक है, तो सबसे बेहतरीन टाइम होता है इसको किल करने का, जब ये एक्टिव हो। क्योंकि जब ये इनएक्टिव होता है ना, तो इस पर दवाइयों के असर बहुत कम होते हैं। जी सही उस पर ही होंगे जिस पे, यानी कि ये एक्टिव है आम रूटीन में सारा साल, कोई परिंदा नर्वस हो गया या बीमार हो गया जी तो उस पर दवाइयाँ फिर काम करती हैं। अदरवाइज परिंदे नॉर्मली देखने में बिल्कुल सेहतमंद होते हैं, मगर उनके अंदर ये सोया होता है। जी सही इन दिनों में ये हर परिंदे में जाग जाता है। जैसे ही बारिश होगी, मौसम में नमी जरूरत से ज़्यादा बढ़ेगी, ये एक्टिव हो जाता है। जी सर। अभी आपने सार्मोनीला वायरस का नाम लिया, हाँ, सार्मोनीला सालमोनेला जो वायरस है भाई, इसका नुकसान क्या है, ये क्या कैसे असरअंदाज होता है परिंदों पर ये। जी, बिल्कुल। ये परिंदे को सबसे पहले तो ऐसा ऐसा कमज़ोर करना शुरू करता है। जी ठीक ठीक है, बाहर परिंदे ठीक लगते हैं, मगर वो ऐसा ऐसा स्लोली स्लोली वेट कम कर रहे होते हैं। आपको महसूस भी नहीं होता कि उनका वेट कम हो रहा है। जी ठीक है, ये अमूमन सबसे पहले इसकी अलामत ये होती है। ठीक है, जब वेट उसका जरूरत से ज़्यादा, अमूमन आप देखते हैं कबूतर चपटी की तरह बन जाते हैं, जी हड्डी बिल्कुल निकल आती हड्डी है। निकल आती है। वैसे वो खाते पीते सही हैं, हर चीज़ हजम करते हैं। बंदा कहता है यार, इनके पेड़ में कीड़े हैं, डवर्मिंग की है, सारा कुछ किया, मगर परिंदा ठीक नहीं हो रहा। जी उसमें ये सालमोनीला तब एक्टिव होता है। जी ठीक अमूमन ये ज़्यादा छोटे बच्चों में होता है, जिस तरह के अभी आपके पास 50 बच्चे पल रहे हैं, जी तो जब वो तकरीबन कह लें कि 20 के दिन के हो जाते हैं, 25 दिन के, तो माँ बाप से दाना लेना बंद हो जाते हैं। खुद ही बंदा छोड़ समझता देते है हैं। अभी जोड़ा बच्चे नहीं सही पाल रहा, मगर वो कसूर सारा इस वायरस का होता है। वो बड़ों में से बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होता है, जी तो जब बच्चे 20 के दिन के करीब होते हैं, तो उनके अंदर ही एक्टिव हो जाता है। ठीक और बच्चे बिल्कुल, यानी कि कह लें, दाना लेना बंद हो जाते हैं, उनको बुखार हो जाता है। वीकली वो चिड़ियों जैसे बन जाते हैं, ऊपर से गिर जाते हैं, खानों में से चोग नहीं लेते। जस्ट लाइक जिस जिन्हें हम पंजाबी में टोड़ बच्चे कहते हैं, टोड़ यार बच्चे, टोड़ रह गए ना बच्चे, टोड़ रहने में सबसे ज़्यादा किरदार है ना जो सालमोनीला वायरस का। सार्मोनेला वायरस का है। ठीक है, तो साहब भाई इसको, इससे जान छुड़ाने का तरीका कार क्या। जान छुड़ाने का तरीका, अभी ये जो बारिशों का मौसम है, सबसे बेहतरीन टाइम है ये इसे जी जान छुड़ाने का। जी सही बड़े कबूतरों के अंदर से इनको किल करते हैं। जी सही बेहतरीन इसका तरीका कार है कि आप जब भी बारिश हो ना, जी कोई, जी यानी कि हफ्ते में 2 बारिशें हो गई हैं, तो उनमें से कम एक दिन ना इनको सेब का सिरका पिला दें, सेब का सिरका। एक दिन। सेब का सिरका तो काफ़ी कंपनियों में सब भी जाते हैं, तो हाँ, परिंदों के लिए बेस्ट कौन सा है। परिंदों के लिए बेस्ट जो, अगर आप पाकिस्तानी लें, तो वो सिर्फ एक ही कंपनी है जिस पे इत्मीनान किया जा सकता है, वो दित्तू है। जी जी दित्तू कंपनी का ये बोतल पड़ी हुई है, जी जी ये देखें, जी ठीक, मैं ज़रा जूम कर लूँ इसको, जो ये दोस्त स्क्रीनशॉट पाकिस्तानी। लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पाकिस्तानी ब्रांड है दित्तू कंपनी। हाँ, लेना सिर्फ दित्तू कंपनी का, बाकी भी अच्छी कंपनियां हैं सारी, मगर नेचुरल जो प्रोडक्ट है ना, सेब के सिरके ओरिजिनल बना हुआ, जी सही वो यही है। जी बिल्कुल ठीक। साहब भाई इसका तरीका इस्तेमाल किस तरह करना है हमने। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि अगर आपके कबूतर बिल्कुल तंदुरुस्त और फिट हैं, जी तो दोपहर दाने के साथ 5 cc 1 लीटर पानी में आप इस्तेमाल करें। साहब इधर आवाज़ कम आ रही है, हमारे एक दोस्त हैं आवाज़ साहब, वो कह रहे हैं आवाज़ कम आ रही है। जी, ये आपने, अगर आपके परिंदे बिल्कुल तंदुरुस्त और फिट हैं, जी हेल्थी हैं, पूरे वेट में पूरे हैं, तो उनके लिए ये 5 cc 1 लीटर पानी में जी दाने सही, के साथ एक दफ़ा सिर्फ, दिन में एक बार यूज़ दाने के मैनुअली यूज़। आप सारा साल इसको इस्तेमाल करें, एक महीने बाद जी इसको एक दिन पिला दिया। ठीक, एक टाइम। हाँ, अभी जो बारिशें हो रही हैं, जिस दिन बारिश हो उस दिन इसको पिला दें, जी यानी कि सही हफ्ते में 2-3 दिन लगातार का मतलब ये नहीं आप रोज़ ही पिलाई जाएँ, यानी कि हफ्ते में 2 बारिशें हैं, तो एक दिन इसको पिला दें, वीक में एक मरतबा पिला दें। वीक में एक मरतबा बारिशों के दिनों में। जी सही, तो तो ये अगर, मौसम मौसम बरसात एक पूरा मंथ अगर एक्टिव रहता है, तो पूरे मंथ में हम 4 मरतबा हाँ, पिला तीन सकते हैं। चार दफ़ा आप इसको पिला सकते हैं दाने के साथ। तो आप खुद भी तो समझदार हैं, आपको आइडिया हो जाएगा, पिलाना चाहिए इनको दोबारा, कबूतर रिफ्रेश हो जाएंगे। जी जी ठीक है, खुराक आप डाल के देख लें इनको, यानी कि अगर एक डब्बा डालते हैं तो आज इसको पिलाएं, सुबह आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, जी कबूतर जी खुराक में बताएंगे हम ठीक हो गए हैं। तो पहले एक तो ये है, दूसरा ये एक अमेरिकन आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका भी, ये कभी मिलता है कभी नहीं मिलता, जी सही इसको ज़रा ढूंढना पड़ता है थोड़ा सा जाके, मगर इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है।
जिसे अब इसका क्या मिकदार से हम पिलाएंगे? वही है, अगर सेम परिंदे कमजोर हैं तो 3 सीसी 1 लीटर पानी में, जी अगर परिंदे बहुत तंदुरुस्त और फिट है माशाल्लाह तो 5 सीसी पर लीटर। हाँ 5 सीसी मिकदार सेम है। तो सर भाई तो आपने इसको खुद आजमाया? हाँ मैं तो रेगुलर पिलाता रहता हूँ जी। और अब्दुल्ला भाई आप इसको ट्राई कर रहे हैं? बिल्कुल, इस बार पिला दिया अब्दुल्ला भैया? हाँ जी पिलाया जी। ये बहुत शुक्रिया। प्रोटीन में देखा आपने पीछे बारिश हुई है काफी ज्यादा, जी जी, तो मैंने तो ये हफ्ते में जो है ना 2 टाइम पिलाया, मिकदार थोड़ी सेट की हुई हमने जी जी, क्योंकि आपको पता है हमारे पास परिंदे ज्यादा है। लेकिन अब्दुल्ला भाई आप मिकदार लाजमी दोस्तों से शेयर करें, जैसे साहब भाई ने बताया जी जी 3 सीसी 1 लीटर पानी में, जी ठीक है। और बरसात में जैसे आप परिंदों पे आपके डिपेंड करता है, अगर वो तंदुरुस्त है तो 5 लीटर है, इसका नुकसान कोई नहीं है जी ठीक। अगर कोई दोस्त पिला भी देते हैं ना तो इसका नुकसान कोई नहीं है, पर्सनल मैंने एक्सपीरियंस करके देखा जी, मैंने जी, ज्यादा भी पिला के देखा, जैसी डोज बता रहे हैं ना एग्जैक्ट यही है, मैंने ज्यादा भी पिला के देखा क्योंकि हमने अपनी एक डोज रखी हुई है। हाँ जी। लेकिन एग्जैक्ट डोज है जो साहब भाई ने बताई है, बिल्कुल ठीक, 3 लीटर 3 सीसी जो है 1 लीटर, लीटर और जो 5 सीसी है वो 1 लीटर में तंदुरुस्त परिंदों के लिए। जी बिल्कुल सही जी, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। अलैन जी अब अल्हम्दुलिल्लाह ये सार्मोनेला वायरस का उम्मीद है कि तमाम दोस्तों को बेहतरीन समझ आ गई होगी। एक बार वीडियो को लास्ट में दोबारा रिपीट करूंगा ये सब चीजें इंशाल्लाह। अब मौसम बरसात में साहब भाई अक्सर औकात मुझे कॉल्स आ रही हैं, आपको भी कॉल्स आ रही हैं, और मैं एक दोस्तों के साथ माजद अभी बात काट रहा हूं खुद ही, और ये बात बता शेयर करना चाहूंगा कि हम आप सब दोस्तों के साथ आज और हमेशा वही नुस्खे शेयर करते हैं जो हमने अपने खुद परिंदों के साथ आजमायों में अपने दोस्तों के परिंदों पर आजमा कर उनके रिजल्ट लिए, हम आपके साथ सिर्फ और सिर्फ वही जो आजमुदा नुस्खे हैं वही शेयर करते हैं।